हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पूजा की किचन में। आज हम बनाएंगे साबुदाना वड़ा और उसके साथ खाई जाने वाली ये सुपर टेस्टी चटनी। आप देख सकते हैं कि इस वड़े में क्रंची आवाज आ रहा है और अंदर से ये सॉफ्ट है। तो चलो देखते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। उसके लिए मैंने ओवरनाइट के लिए साबुदाना भिगा दिया था। मैंने 2.5 कटोरी जितना साबुदाना भिगाया था, लेकिन भीगने के बाद में ये लगभग 5 कटोरी जितना हो चुका है। साबुदाना हमेशा जितने क्वांटिटी में भिगाएंगे उससे ये हमेशा डबल हो जाता है। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी एक बड़े बाउल में और हम उसके लिए 3 आलू जो उबले हुए हैं उसका यूज़ करेंगे। उसी के साथ कटी हुई हरी मिर्च और ये भुनी हुई मूंगफली का जो दरदरा पाउडर है वो डाल देंगे। उसी के साथ स्वादानुसार नमक और ढेर सारा हरा धनिया। अब हम इसमें कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर, जो कश्मीरी लाल मिर्च है, उसका यूज़ करेंगे। और ये आलू जो है ऐसे क्रश करके डालेंगे या फिर कद्दूकस कर लेंगे, पर हमें ये बारीक किसनी का यूज़ करना है। उसी के साथ हम डालेंगे जीरा, जीरा का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करें। अब हम इन सबको हाथ की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। जितना ज़्यादा आप अच्छे से इसे मैश करोगे उतने ही साबुदाना के वड़े अच्छे बनेंगे और ये तेल में बिल्कुल भी नहीं फूटेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक पेड़ा जितना ले लूँगी और इनको मैं हाथ से अच्छे से रगड़ते हुए इसकी हम मालिश कर लेंगे। अगर ये ऐसा टूट जाए तो आपको और इसकी मालिश करने की ज़रूरत है ऐसा समझ जाए। इसकी ऐसे ही मालिश करते हुए हम इसे वड़े का शेप देने की कोशिश करेंगे। आपके हिसाब से इसे मोटा या पतला आप रख सकते हो। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। ऐसे ही करके मैं एक एक सारे वड़े पहले ही प्रिपेयर कर लूँगी। आप देख सकते हैं वड़ा कहीं से भी फूटा नहीं है और ये सारे वड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। आप कुछ देर के लिए इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो इसमें से रिलीज़ हो जाए। ये सेट हो रहा है तब तक हम चटनी बना लेंगे। उसके लिए मैंने मिक्सर के पॉट में 2 से 3 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली डाली है। उसके बाद मैं टेस्ट के अनुसार हरी मिर्च, ढेर सारा हरा धनिया। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे दही। दही को बिल्कुल भी स्किप ना करें। उसके साथ में इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टेबलस्पून शक्कर। किसी भी खट्टी चीज़ के साथ में शक्कर भी लाने से उसका टेस्ट बैलेंस में आ जाता है। अब इन सबको हम पीस लेंगे और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हमारी चटनी बनके रेडी हो चुकी है। अब ये हमारे जो वड़े थे ये अच्छे से सेट हो चुके हैं और मैंने एक कढ़ाई में तेल भी रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। अब तेल काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हम उसमें डालेंगे ये बनाए हुए साबुदाना वड़े। हमने जब इसे बना के अलग से सेट करने के लिए रखा था उसी की वजह से इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं रहेगा और ये अच्छे से तले भी जाएंगे और बिल्कुल फूटेंगे भी नहीं। तो आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करें। और एक बात, वड़े हमेशा थोड़े से थिक होने चाहिए। अगर पतले रहेंगे तो ये खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। आप देख सकते हैं तेल में डालने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक चुके हैं। इसे अलग अलग करेंगे और पलटा लेंगे ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से हो जाए। तलते वक्त हमें गैस मीडियम फ्लेम पर रखना है। अब इसे ऐसे ही पलटाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं वड़े का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। अगर आप गैस का फ्लेम फुल कर देंगे तो ये ऊपर से जल सकते हैं और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए तलते समय इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। डीप फ्राई की जगह पे इसे शॉलो फ्राई भी कर सकते हो। 1 से 2 मिनट के लिए इसे तेल में ऐसे ही होने देना है। हमारे वड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये फ्राई हो गए हैं ये कैसे समझें, तो इसमें जो जीरा है या फिर शेंगदाने हैं ये अच्छे से उनका कलर चेंज हो जाता है, तब उस समय हम इसे तेल से बाहर निकाल सकते हैं। हमारा कोई भी वड़ा ऐसा फूला नहीं है। अगर वो फूलने लग जाए बीच में से तो वो फूटने वाला होता है। उसके पहले ही हम उसे तेल से निकाल लेना चाहिए। थोड़ी देर इसे ऐसे ही रहने देंगे। वड़े हमने निकाल दिए हैं। अब एक टिश्यू पेपर पे हम इन सबको ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे बिल्कुल भी इसमें तेल नहीं रहेगा।
और आप देख सकते हैं कि इस तेल में बिल्कुल भी साबूदाना वड़ा छूट के तेल ख़राब नहीं हुआ है। अब सेकंड बैच में भी हम इन सबको अच्छे से तल लेंगे। आप इसके जगह पे शैलो फ्राई भी कर सकते हो। जैसे ही ये हो जाए हम इसे निकाल लेंगे और हमारे वड़े रेडी है। अब हम इसे निकालेंगे सर्विंग प्लेट में। कई बार हम बना तो अच्छा लेते हैं लेकिन उसकी प्लेटिंग ठीक से नहीं कर पाते, तो हम इस तरह से इसकी प्लेटिंग करेंगे और चटनी के साथ इसे एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।